वरोरा तहसील के मौजा कोंडाड़ा और बेलगांव में 2007 में फ्लैग आयरन एंड कोयला खदान बेलगांव शुरू की गई। तब से इस परिसर में बोरवेल तथा कुओं के पानी का जलस्तर नीचे गया। इस कंपनी अंतर्गत वैयक्तिक और सरकारी ऐसे कुल 162.32 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत जमीन में कोयला उत्खनन किया जा रहा है। कंपनी की ओर से गंदा पानी निकालकर नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे गांव वालों को दूषित और गंदा पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। मवेशियों के लिए भी इसी दूषित पानी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे गांव वालों के सामने पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस क्षेत्र में CSR फंड से भी अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया। ऐसी जानकारी प्रहार जनशक्ति पक्ष के तालुका अध्यक्ष अमोल डुकरे ने आयोजित पत्र परिषद में दी। अमोल डुकरे ने इस समस्या पर प्रशासन ने ध्यान देने की मांग की है, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा भी उन्होंने दिया है। मोजा कोंडाळा वर्रा तालुक्यातील मोजा कोंडाळा गावामधील जी बेलगाव माइन्स आहे, त्या बेलगाव माइन्स करतामुळे हे कोळशाची खदान आहे, अंडरग्राउंड खदान आहे। त्या कोळसा उत्खनन करता ते पाण्याचं उत्खनन करतात आणि ते पाण्याच्या उत्खननामुळे कोंडाळा व बेलगाव गावामधील गावकरी व शेतकरी यांच्या यांना पाण्याची टंचाई खूप भासत आहे आणि ते उपसा जास्त होत असल्यामुळे पाण्याची लेवल पूर्ण कमी झालेली आहे। तेथील गावकऱ्यांचे बोर आणि शेतकऱ्यांचे शेतातील बोर हे सगळे आटलेले आहे, त्यामुळे गावकऱ्यांची सगळ्यांची भटकंती होत आहे। आम्ही स्वतंत्र गाव स्वतंत्र देशातील स्वतंत्र नागरिक असून आमच्यावर फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे। शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिलं पाहिजे आणि आम्हा सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे। मागणी पूर्ण न झाल्यास आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्ष व सगळे गावकरी मिळून आम्ही तीव्र आंदोलन